अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हम मौजूद हैं ऐसे स्पॉट पे जहाँ पे अगर आप पिक्चर कैप्चर करते हैं और कैप्शन लिखते हैं कि एट बाकू कैलिफोर्निया दुबई, किसी भी आप डेवलप कंट्री को यहाँ पे मेंशन करते हैं तो हर बंदा यकीन कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट इस तरह का लग रहा है कि जैसे हम कहीं दुबई फूड स्ट्रीट पर हैं या बाकू फूड स्ट्रीट पर हैं या तुर्की में किसी वेल नोन फूड स्ट्रीट के ऊपर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राउड जो है कराची का वो यहाँ पे जमा हो चुका है, और एक स्पॉट पे आपको मल्टीपल रेस्टोरेंट मिलेंगे जिसमें स्नैक है, गुलशन स्वीट बेकर है, और मल्टीपल यहाँ पर जो है वो आपको फूड पॉइंट्स मिलेंगे। और इसके साथ साथ सेकेंडली जो मैं बात करूँ ना आपसे, यहाँ पे आने में मैंने बहुत हर्डल्स हुई हैं। वो हर्डल्स क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्राउड जो है बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से DHA मैनेजमेंट ने अंदर आने वाले रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है। तो हमने मेन रोड पे गाड़ी को पार्क की और आपको दिखाने के लिए आ गए हैं DHA फेस 2 मार्केट में बनी हुई ये फूड स्ट्रीट, जहाँ पे एक स्पॉट पे मल्टीपल आइटम्स आपको मिल रहे हैं। भाई ये कह रहे थे कि यहाँ पे पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है, तो गाड़ी पार्किंग ये वो तो हमने कर लिया कहीं ना कहीं से रॉन्ग वे आके, लेकिन रॉन्ग वे आप नहीं आइएगा क्योंकि चलान हो जाएगा आपका। तो दूसरी बात, ये फूड स्ट्रीट के अलावा मल्टीपल और भी आइटम है, यहाँ पे शॉप बनी हुई है, गिफ्ट आइटम है, मोबाइल की एसेसरीज है, और भी शॉप्स ओपन हो रही हैं अभी, तो वो सब चीजें बन रही है। और मानी भाई देख रहे हैं मेन्यू A1 का, A1 वाला क्या क्या ऑफर कर रहा है, काफी आइटम है, रैप समझ में आ रहे हैं, सब चीजें आइसक्रीम है, जूसी है, कोल्ड ड्रिंक है, ड्रिंक्स है, फास्ट फूड है, और पिज्जा चीजें। तो मानी भाई आप क्या ऑर्डर करने के लिए जा रहे हैं A1 वाले का? यार रैप्स है, पिज्जा रैप बड़ा पसंद है मुझे, चिकन रोल है, बर्गर है, और आइसक्रीम। फिलहाल पिज्जा रैप लेंगे और उससे सैंडविच और शॉर्मा लेंगे, अदरवाइज दूसरा आइटम हम ट्राई करेंगे कि भागे कैसे। बाकी आज भी फूड स्ट्रीट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? यार फूड स्ट्रीट मुझे इंटरेस्ट, जब मैं अंदर यहाँ पर आया तो मुझे बहुत अच्छी लोकेशन लगी, क्योंकि अभी तक कि हम जहाँ पर भी गए ना इतनी अच्छी एनवायरमेंट हमने नहीं देखा, यहाँ का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह ये कि अब इसको और अपग्रेड कर रहे हैं ये लोग, अपग्रेड करने के बाद मैं तकरीबन कंप्लीट आपको कह सकता हूँ कि वाकई और अब लगेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो एक मेरा ख्वाब था, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल पकाया गया चाला, ख्वाब तो इकबाल के कायद की उमंग। मैं यही कहूंगा कि कराची का यूरोप एक तरीके से अगर इसको अगर कंज्यूम करेंगे ना तो आपको फीलिंग वही आएगी, वाइस वही आएगी कि आप यूरोप में, लेकिन कराची का यूरोप जी हमारे पाकिस्तान से कमाने यहीं पे आते हैं तो यूरोप ही होगा ना। भाई यार ये आपने कब बाकू का टिकट लिया, कब वीजा लगवाया? ये बाकू का टिकट मैं गए पे आज बैठा हुआ था, मेरे पास अनस की कॉल आई, उसने मुझे बोला ऐसे बाकू चलते हैं, मैंने गाड़ी साफ करी और हम तकरीबन आधे घंटे में बाकू आ गए, मलिर से बाकू तक का सफर आधे घंटे का था। यहाँ का एनवायरमेंट और व्यू बहुत अच्छे, फैमिली के साथ आए, लेकिन हॉलीडे को ना आए, हॉलीडे को सैटरडे संडे को बहुत रश होता है, जगह नहीं मिलती। और मानी भाई आपने कब वीजा लिया UAE का? ये असल में मैं जहाज चला के मेल आया हूँ, मैंने बोला कि हॉलीडे पे ना आए, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारी फैमिली होती है हॉलीडे पे आ सकती है, उसके अलावा नहीं आ सकता। तो प्रॉब्लम ये है कि हॉलीडे पे अगर आप आते हैं तो थोड़ा जल्दी आए, थोड़ा लेट नाइट ना, अगर लेट आएंगे तो ऐसे एनवायरमेंट रश मिलेगा, आप थोड़ा जल्दी करके आए, मगर पहले पहले आ जाए सैटरडे संडे अगर आप फ्री होते हैं, कि बहुत सारी फैमिली जाए सैटरडे संडे को ही निकलती है, उसके अलावा नहीं निकल पाते। बाकी शाही क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ की वाइब्स के बारे में? वाइब्स बहुत खतरनाक है यहाँ, मुझे कभी कभी डर लग रहा है थोड़ा आगे पीछे नजर घुमा के। इसके अलावा ओवरऑल बात करूँ तो खाने तक तो भी हम लोगों ने टेस्ट किया नहीं, अगर एनवायरमेंट की बात करूँ तो मैं 10 out of 10 नंबर दूंगा इसको एनवायरमेंट को। बाकी खाना टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, और खाना भी है मतलब टेस्टफुल है तो फिर 10 out of 10 फुल मिल जाएंगे। बाकी फैमिली को आने के लिए रिकमेंड तो कर दें जरा, यहाँ फैमिली से ज्यादा लाजमी आए यहाँ पे, रिकमेंडेशन है। इसके अलावा ऐसे ख्यालों की तपिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कराची वालों के लिए होती है, ख्यालों की तपिश, तो यहाँ पर वो 110% ख्यालों की तपिश जिंदा नहीं होगी, आप बेफिक्र होकर आए, बेझिझक होकर आए। काफी इंतजार करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सीट जो है मिल गई है, और सीट मिलना यहाँ पे सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना नहीं था, यहाँ पे ऑर्डर लेना भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है हमारा। ये जो हमें सर्व कर रहे हैं मेन्यू में, क्या सर मेन्यू में हमारे पास कराची की तमाम डिशेज मौजूद हैं, फास्ट फूड से लेके बारबेक्यू से लेके चाइनीज, इटालियन, एनीथिंग, हमारे पास जो भी चीज आप खाना चाहें सब हमारे पास मौजूद। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फूड को रिसीव करने के लिए भी ना तकरीबन 30 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्या ख्याल है आप? ऐसा ही है, जब वीडियो मैंने स्टार्ट की तब से एक ही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वीकेंड पे आएँ, आप वीकडेज में आ जाएँ वो ज़्यादा बेहतर है। और लेजेंड ने जो है सीट अरेंज करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। जी सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अप्रिशिएट किया, एंड देन मैं ये कहूँगा कि आयाद वाला जुमला मुझे याद आ गया, अगर हम छड़े छाटे तो फिर भी कुछ ना कुछ करके हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, चेयर अरेंज कर सकते हैं, लेकिन आप फैमिली के साथ हैं ना तो हॉलीडेज में तो बड़ा प्रॉब्लम है फैमिली के साथ ना, अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो कोशिश करें 6 बजे पहले पहले आएँ या तो आम डेज में, मेरी सजेशन तो यही है ओवरऑल। वो क्या सोच रहे हैं मानी भाई? यार सोच रहा हूँ टाइम हो गया है, खाने का टेस्ट क्या होगा। मानी भाई ये सोच रहे हैं जल्दी से मुर्गा और उसको मैं लपेटू, मानी भाई काम है सिर्फ लपेट।
मेरे पास रोमानी भाई ने आटे के साथ ही ये बोले हैं कि मैं अपना पिज्जा जब मंगाऊंगा तुम्हें जो मंगाना है अपने खुद मंगा लो, मैं अकेला खाऊंगा, क्योंकि जितनी देर इनको खड़े में हो गई ना मुझे लगता है सबका ऑर्डर ही फिनिश कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बिल्कुल भी भूख को बर्दाश्त नहीं करते वो हमारे लेजेंड मानी भाई हैं। जी मानी भाई, कितना का टेस्ट है मानी भाई? पिज्जा टाइप चीज होता है, पिज्जे की टॉपिंग वगैरह होती है, मशरूम होते हैं, ऑलिव होते हैं, पिज्जा सॉस। क्या कहना चाहेंगे? पिज्जा ब्रेड के अंदर जरूर ट्राई करें। देख सकते हैं वकार ने जो है एज यूजुअल लेग पीस को टारगेट किया। जी शाही, मजे की हो रही है रान में, यकीन करें आपने अक्सर बेशतर वीडियो में देखा होगा जब भी चिकन टिक्का या कोई चीज हम लोग स्टू मंगाते हैं उसमें मानवीय फौरन से लेग जो होता है फौरन उठा लेते हैं। इस बार मानवीय को मौका नहीं दिया मैंने, इस बार लेग मैं ही खाऊंगा। और मैं इनके अगर जायके की बात करूँ, जायका अच्छा है ओवरऑल, जितने देर हमने इंतजार करा उससे कंपेयर करें तो एवरेज है, लेकिन अगर इतना इंतजार करना नहीं पड़ता तो ग्रेट। चिकन क्लब सैंडविच, हम सैंडविच खाते हैं उसमें चिकन का रेशा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन की पीसेस अवेलेबल है, उसका टेस्ट हम करेंगे चटनी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लब सैंडविच बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, उसके बावजूद भी टेस्ट बहुत इनक्रेडिबल है इसका, तो मैं इसको 10/10 नंबर दूंगा। शाही टिक्का का क्या आप रेट करेंगे? 10/9। और बाकी इस एनवायरनमेंट को 10/10 ही दूंगा, लेकिन अगर जल्दी आएंगे तो आप भी 10/10 देंगे, लेकिन लेट आएंगे तो आप फिर हमें कमेंट में लाजमी कोसेंगे कि आपने कहाँ रिकमेंड कर दिया। तो हम अपने वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ और इनक्रेडिबल टेस्ट के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।